वेलकम टू माई चैनल गैबल टैरेट्स। मैंने ये वीडियो आप लोग के हिंदी में बनाया हुआ है। जो लोग फैंस इंडिया के हैं, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या किम तैंग हंग की वाइफ जो हैं, जो जिनको हम वी कहते हैं स्टेज नेम से, उनकी जो फ्यूचर वाइफ हैं वो इंडिया को बिलोंग करती होंगी। अगर आपने देखा होगा तो इसमें नेगेटिव कार्ड ये वाला आया था कि ये बेहद नेगेटिव कार्ड है और ये नहीं दिखाता कि इंडिया की वो नहीं होंगी। और यहाँ पे फिर मैंने अगेन ये चीज़ पूछी थी कि क्या वो कहीं बाहर की होंगी, मतलब अपना जो पेरेंटल होम होगा, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ के पेरेंट्स रहते होंगे, उसके अलावा कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन या किसी और लोकेशन की होंगी। तो उसमें ये नेगेटिव कार्ड आया था, जिसमें ये बेहद नेगेटिव कार्ड है कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और फिर मैंने जब पूछा कि ये क्या कोरिया की होंगी, कोरिया की हैं जहाँ पे पेरेंटल होम होगा, इनका पेरेंट्स के हाउस होगा, वहाँ की हैं, कोरिया की हैं, कोरियन, तो उसमें पॉजिटिव निकल के आया था। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि वो क्या जो गर्ल है वो कोरियन ही होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आ रहा था। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो गर्ल बहुत ही सोशल है, उसके घर में बड़े बुज़ुर्ग लोग रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो ज़िंदा हो चाहे ना हो, लेकिन जो ग्रैंड ग्रैंडफादर या ग्रैंड ग्रैंड जो मदर्स हो, जो भी होंगे, इनके जो इसकी हैबिट है कि घर के जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट करने वाली लड़की है। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये बहुत ही सोशल है, इसके घर में कोई ना कोई मेम्बर है, मतलब अकेले नहीं रहती है, कोई ना कोई बड़ा जना इसके साथ रहता है। इसका ब्लेसिंग्स है, जुपिटर प्लैनेट बृहस्पति जो कि कारक होता है, शादी का कारक होता है, एक लड़की के कुंडली में होना चाहिए जुपिटर बृहस्पति, अच्छा होना चाहिए, तो वो इसी कुंडली में भी अच्छा दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रॉस्पेरस है, बृहस्पति अच्छा है तो जाहिर सी बात है बृहस्पति इसके में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, लाइफ में रिचनेस रहेगी, प्लस इसको ब्लेसिंग्स हैं पूर्वजों से, अपने बड़े लोगों से इसको ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सोशल है ये गर्ल, यहाँ पे ये चीज़ इसकी क्वालिटीज दिखा रहा था। और पॉजिटिव कार्ड है कि वो कोरियन ही होगी। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। ये मैंने वीडियो हिंदी में आपके लिए बनाया था, फैंस के लिए जो जानना चाह रहे थे इनके लिए, वी के लिए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।